माशाल्लाह इतने लोगों में कहाँ नजर आएगी। देखो पूरी फैमिली चाहते हैं नियाल भाई की कोई शादी आदि कोई मंजिल। माशाल्लाह चले फाइनली जैद भी शॉपिंग कर रहे हैं। देख वाह, ये लोग राइट नाउ हैविंग फन एवरीबॉडी। चले अब हो गया डिनर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं पता क्या हुआ। मैं सो के उठी और दूसरे दिन मेरी आवाज़ जाती गई और रात तक बंद हो गई। लेकिन वो फिर एंटीबायोटिक लगी, ये लगा वो लगा, लाइबा को देख के वैसे ही ठीक हो गया। तो लाइबा का डेट हुआ है आज और मैं उसके साथ साथ तैयार हो जाती हूँ। ये उसने मेरी छुट्टियाँ बांधी थी, इसका वो हेयर बनाने वाली, आप देख लीजिएगा कैसे, क्योंकि शाम को हम जा रहे हैं भाई के घर अफ्तारी पे। कल हम गए थे सायरा के पास अफ्तारी पे, क्योंकि उन्होंने 17 साल बाद लाइबा को देखा, तो सब बहुत एक्साइटेड है उसको देखने के लिए। तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसमें क्योंकि सायरा भी रो रही है और ऑलमोस्ट लाइबा भी रो गई, ये भी देखें, ये देखें, हाफ डन। तो बस अब जाएंगे, लाइबा ने ड्राइविंग टेस्ट लर्निंग देना है मेरे को खास में, लर्निंग वाला देना। हाँ, क्योंकि ज़्यादा ख्वाहिश है कि सबकी आईडीज मोर बने पाकिस्तान में। तो चलें आप भी हमारे साथ चलें। हाँ, फिर उसमें एक और सरप्राइज़ ये होगा कि मैं भाई दोनों भाइयों के लिए ईद की शॉपिंग करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने जलवरी से ही जैद का लिया था। तो जैद की ख्वाहिश है कि मैं उन दोनों के लिए, दोनों भाइयों के लिए, भाभी बहनों को तो देती रहती हूँ लेकिन भाइयों के लिए ज़रा कमी की है, तो आज उन दोनों के लिए भी शलवार कमीज लेंगे ईद के लिए। तो चलें आप भी हमारे साथ। वैसे गले की खराबी मुझे पता क्यों हुई, मेरे ना ऊँचा बोली है तो तेरा गला खराब। अच्छा, एक और बात बता दूँ, जब से लाइबा आई है जैद की टोन ही बदल गई है बिल्कुल। तेरा एक सपोर्टर मेरे साथ है। ये कपड़े तो खैर वही हैं जो मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, गर्मी बहुत है, दिन के रात गर्मी शदीद हो गई है वैसे यहाँ पे। और लाइबा के लिए लोग बहुत परेशान, लेकिन लाइबा कंफर्टेबल हो गई है मुझे, इतना दी है हमें मजा आता है, रफ टफ है लाइबा आपको पता ही था। और ये कपड़ा इतना खूबसूरत लग रहा है, इसमें ये भी खादी का सूट है लाइबा का, इतनी शाइनिंग और इसमें लॉन में आ रही है जबरदस्त किस्म का सेल्फ प्रिंट ये है डॉक्टर रदिया का हॉस्पिटल का, ये जगह है जहाँ पे, ये हॉस्पिटल है जिसमें लाइबा बॉर्न हुई थी, डॉक्टर रदिया यार मोहम्मद, डॉक्टर रदिया यार मोहम्मद चांदनी चौक पे। ये साथ ही यही उनका लेबर रूम, साथ कमरे वाला। लाइबा और उजैर एक्चुअली दोनों बॉर्न नहीं आई इसी चांदनी चौक के। ओह माय गॉड, लाइबा का कच्चा लाइसेंस हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आएगी ना फिर उसकी वीडियो बनेगी, और उन्होंने मुझे अंदर मना कर दिया। उधर खैर गवर्नमेंट प्लेसेस लाइबा कह रही है कनाडा में भी अलाउ नहीं है, तो इट्स फाइन। उन्होंने जैसे कहा कि नहीं रिकॉर्ड करें, हमने बंद कर दी। लाइबा हाई फाइव, ये तो लर्निंग ऐसे दे देते हैं वो लोग बना के। जब आपने वो देना ना टेस्ट दूसरा, तो उसमें आपको ये देना पड़ेगा जो नॉलेज का टेस्ट भी देना है, मेडिकल भी देना है, ये सारी चीजें उसी होंगी। तो एटलीस्ट वन मोर आईडी लाइबा की बन गई उसमें पाकिस्तान में। और अब हम जाएंगे मॉल में छोटे से शॉपिंग करने के लिए। पहले इसकी कॉपी वो करनी है। सेंट माइकल स्कूल है यहाँ पे, मेरी बहुत सारी दोस्तों ने यहाँ से नहीं था, ये रात कहीं लगा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से वापस इधर को आना भी मुश्किल है। और पीछे हमने देखा कोई प्रोटेस्ट भी हो रहा, वो किस चीज का था कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखते क्या। ये देखे ब्लॉकेज लगा हुआ है यहाँ पे पूरा। अच्छा, हम बार बार जाएंगे, देखे था कुछ यहाँ पे। आगे शहर में से निकलना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये देखे ना लोग ऐसे कट में से आ रहे हैं, आप भी ऐसे कट में से आ जाइएगा। ये क्यों बंद किया ऐसे पूछना भी, प्रोटेस्ट काय का था कि हमें भी इन्फॉर्मेशन हो पहले कि वो आ जाए। अरे मेरा हाई स्कूल लाबा, मैंने हाई स्कूल यहाँ से किया। अब यू शुड टेक अ पिक्चर, यहाँ से किया मैंने हाई स्कूल। हजूम नजर आ रहा हूँ वहाँ पे, उन्होंने पुलिस ने बंद किया हुआ, वो जो भी है जलसा हो रहा है, किस चीज का हो रहा है मुझे नहीं पता। तो वो पीछे आ गए हमारे, हो सा हो, होपफुली हम फंसे ना यहाँ पे, निकल जाए यहाँ से खैर करी। जैद गए फोटो कॉपी कराने, क्योंकि एक जगह से हुई नहीं, अब दूसरी जगह गए। देखा मेरे पूरा स्कूल का गेट, कितना पुराना स्कूल है, और हम गए स्टक उसमें, जिससे डर रहे थे उसी से स्टक हो गए हम लोग। आप लोगों को रिक्शे पे बिठाऊंगा, जाओ जाके शॉपिंग करो, मैं लेके आता हूँ। हाँ वाकई ऐसा भी कर सकती है, देखिए पता नहीं अभी तक हमें चला सारे बना ये हो रहा है, और इतनी गर्मी में लोग शदीद रोज रमजान में गर्मी में बैठे हैं।
पता नहीं हमें कि क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ हो रहा है। JWC का कुछ लिखा हुआ है, लाइबा ने पढ़ा है लेकिन कुछ पता नहीं। आ जाओ लाइबा को देख के सब पुलिस वाले कह रहे हैं आ जाओ निकल जाओ गाड़ियों को हटा रहे हैं। मरना तो जैद के हमेशा ही इनकार होता है। हाँ अच्छा लगता। अच्छा पापा को इस तरह का पसंद आ रहा है लाइबा जो बाबू मामू जैदी मामू के लिए। हाँ उधर है ना और कलर है उसमें। हाँ उसमें कलर है। हाँ ये देखो जायरा के साइज के कपड़े नहीं है, ये सब 7 ईयर्स के हैं, वरना हर जगह जायरा के कपड़े नजर आ रहे हैं लेकिन साइज नहीं मिल रहे। जायद को ये शूज पसंद आ रहे हैं। हाँ। मुराद है कि अगर ये लेदर है, उनसे पूछे ना ये लेदर है कि नहीं है, ये बीच में ऐसे लेयर ये कि बेटा ये लेदर है या रेग्जीन है। बड़ा खूबसूरत है ये, कंफर्म है सर ये रेग्जीन है तभी। अच्छा फिर नहीं ले लिखने के, आपको पसंद है तो ले लें, कोई बात नहीं जाए। लेकिन रेग्जीन सर ये वो उस क्वालिटी की रेग्जीन नहीं है कि उतर जाए, तो ले लें फिर। ले लें आपको चाहिए वैसे भी, ट्राई करके देखें। हाँ बिल्कुल हमारे साइज छोटे होते हैं। अच्छा लग रहा है यार, कोई बात नहीं, रैगजीन भी है तो अच्छा दिख रहा है। पहनने में देखें कम्फर्ट, दोनों पहने सर। इसमें नौ होगा आपके पास या फिर दोनों का डिफरेंस आता है? दोनों पहन के देखें, अच्छा लग रहा है। फाइनली जैद भी कुछ ले रहे हैं अपने लिए, हम लोग तो लेते ही रहते हैं लेकिन जैद भी फाइनली लाइबा पुश करके पापा आप ले लें। तो ये जे जुनेद पे हाँ देखें, चल के देखें सर। चलो आप लोग उन्हें देख लीजिए। नहीं अच्छा लग रहा वो, देखें मेरा रूदर है। चप्पल में भी ले जाती नहीं, ले के जाता कुछ जैद को अपनी चप्पल की भी। नाइस लुक्स वेरी नाइस सर। इसको क्या देना, ये तो जाहिर है सही ले लो, बस ले लें मेरे पास भी अब कलर चॉइस हो जाएगी चप्पलों की। नहीं सर आपके पास भी अब चॉइस कर लें, दो ले, ये तो बहुत अच्छा कलर ब्राउन, जैद को हमेशा पसंद आता है। ये पतले सोल में एक वो जो नीचे था वो फिक्स जरा इससे भी होता है। चले फाइनली जैद भी शॉपिंग कर रहे हैं, देखें उनको पसंद आती है कि नहीं आती। मेरा ईद का सूट जो पर्पल कलर का है तो लाइबा कह रही मैच कर लें, तो मुझे लग रहा है ये कुर्ता भी अच्छा है। लाइबा तो अपने जॉगर शॉवर्स पहन के रेडी है वर्कआउट करने के लिए। जाहिर है आप स्किप कर सकती हैं। अच्छा बाहर करना है आपने, मैं कि हम इसलिए डरते हैं, बहुत बड़ा सहन है कि कोई पीछे से आना जाए। ओके ठीक है, उधर कर सकती हो, कमरे में कर सकती, बाहर करना। चलो ठीक है मैं खोलती हूँ। चल लाइबा हैज़ टू डू, पहले वो टाई करना है, प्लांट को मूव करो, पापा जान ले लेंगे हमारी प्लांट्स को कुछ हो गया। प्लांट्स पापा के बहुत ज़रूरी हैं। चलो या आपको रिकॉर्डिंग शुरू करूं कि नहीं अभी ब्रोक वाह, ये लोग सलवार कमीज में भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप सलवार कमीजों में नहीं कर सकते, आप देखें सलवार कमीज में भी कर सकते हैं। नहीं हमारे हो रहे हैं हेयर फिक्स, वो चोटियां बांधी थी ना कल लाइबा ने, वो अभी खोली है, सुबह से खोली है, ऐसे ही बाजार में स्प्राइट और कोको कोला रखी है। देखें आरिफ साहब अपने मशवरे दे रहे हैं कि क्या क्या होना है पार्टी की तैयारियाँ। सब आ गए भाईजान के घर जाने के लिए, वहाँ दावत है आज अफ्तारी। सायरा ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ तैयार होने के लिए, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी लालों को लग गया। हाँ ये खांसी बोले तो सबके खराब हो रहे हैं। सायरा ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ तैयार होने के लिए, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी लालों को लग गया। हाँ ये खांसी बोले तो सबके खराब हो रहे हैं। तो ऐसे सायरा कहीं वलीमे में जा रही है, लाल जोड़ा पहन के आई, चमक वाले जूते, ऊपर से बाल बनवा रही है लाइबा से। मैंने भी जामली पहनी है, मैंने भी जामली पहनी है, मेरा कौन सा घट है। कैसे लग रहे, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। अच्छे हाँ तो लगना चाहिए, सिंध में रहते हैं, सिंधी लगना चाहिए था, सिंध में रहते हैं, सिंध हमारा कल्चर है।
कल्चर है, होम प्रोविंस है, होम टाउन है, इसीलिए मैंने आपको सिंधी टाइप के कपड़े दिए। लेकिन वो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, अब मैं उसमें नाड़े डालू तो मैं डालती ना, नहीं ये ठीक है, अभी मैंने पहने कुछ दो चार घंटे पहले, और यदि भी ऐसे ही ड्रेस में होगा तो बेटर दो तो होंगे। देखते हैं क्या होता है। चले हम हो गए रेडी बिल्कुल, और लाइबा बस चेंज कर रही है, वो सायरा उससे बात बात करवाने लगी, उसमें टाइम लग गया, लेकिन अब हम निकलेंगे और आपसे मुलाकात होगी टनोले यार बड़े भाई के घर अफतारी कल शाम में भी होती है। हाँ कल भी चल जाएंगे, उन्होंने क्या कहना बेचारों ने कि ना हाथ मिला वॉच भी दिखाओ कैसी है, कितनी प्यारी सी वॉच लगाई हुई है देखो, वाओ दिखा रही, देखे लाइट भी दिखा रही है, छोटी सी है, छोटी सी बेबी है। बस आउटफिट देख लें आज का, और ये हमने सुबह में गलत बताया था, ये था मैं फिर भूल गई, एथनिक का ये उसका नहीं है, खादी का नहीं। चलो पिक्चर शूट होगा, चलो कर लो जल्दी से पिक्चर शूट, चलो अब देखते हैं हम इस गाड़ी में कैसे फिक्स, चलो सब इस गाड़ी में हमने फिक्स होना, चलो अंदर चलो बीच में घुसो। हुआ जी हम जो कपड़े लेकर आए थे खरीद के वो घर पे ही रह के भूल गए, जाए इतनी तक डालते ना जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उसमें सारे भाईजन के जो गिफ्ट है वो घर पे ही रह गए। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने आना यहीं पे दे दें, क्योंकि जैद ने रिफ्यूज कर दिया, सिर्फ लिटरली दो मिनट हो गए हैं हम लोग, तो चलो भाईजन के गिफ्ट रह गए भाईजन। चले जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई ठीक है सही है पहुंच गया भाई, खैर कह रही इससे हमने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी पहुंच जाते हैं। हाँ कह लगे जेदी ने भी वही पहना होगा, मैं भी अच्छा आप भी हो, आपका खत्म हो गया शर्माना कि नहीं अभी जा रही, प्यार श्यार हुए हुए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो रौनक लगी हुई है पूरे सर पे, संबर भी आ गई। हाँ इतने लोगों में नजर ही नहीं आई तो उसको, माशाल्लाह इतने लोगों में कहाँ नजर आएगी, इतने 34 साल से भुगत रहा हूँ सब सारे, देखो पूरी फैमिली देखे, आ जाओ भैया भल्ला बोलो हल्ला बोलो हल्ला नहीं देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ ना, बैठो कहाँ बैठे जा पार्टी लड़का पार्टी सब गए जमात के लिए माशाल्लाह, हम भी अब घर जाके पढ़ते हैं सब नमाज है। नहीं सर सब ने वजू किया, शरबत डल रहा होता है ये लो ये भी आपने नहीं पीना, ये लो ये देखो चने जेदी के पसंदीदा दही बड़े चने, जैद भी बहुत शौक से खाता है चने, जैद तो लग रहा पूरे हम्बे हैं बिल्कुल, इस ये चम्मच सारे ले लेते चम्मच ना कम पड़ जाए मेरे भाई के घर में है, और हम सब फैमिली यहाँ पे हम यहाँ पे तो चाहते हैं कि नियाल भाई की कोई शादी आदि कोई मंगल जैद करे ना राइट नाउ हैविंग फन एवरीबॉडी, जेदी मामू को जक बना लेंगे अभी चाय पी सकते, नान कैसे हैं साहब बहुत मजेदार नान है। चले अब हो गया डिनर टाइम, हमने चाय पी, खूब मुसलमान होते हैं कि हैदराबाद से यहाँ पे ऑर्डर आते हैं, अच्छा इतने अच्छे होते हैं कोई है कौरमा अच्छा बनाना बेटा, बहुत ही कौरमा अच्छा बनाना कौरमा जी, हम आ गए हैं घर और वाइपिंग अवर फेस वॉशिंग अवर फेस, बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि बातें हंस हंस के बातें कर करके सारा गला दोबारा खराब हो गया, बस अब मुंह हाथ धोएंगे और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, आप सब मेरी दुआओं में शामिल हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखें, अल्लाह हाफिज़।